समस्त थारवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत आप लोगों की जीत है, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोगों की जीत है। आपने तन से मन से धन से अपना चुनाव समझकर ये चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ा, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हेमाराम जी और माननीय कन्नड़ साहब ने मुझे अपने बेटे समान समझकर मुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। हरिजीत चौधरी साहब ने मुझे अपना छोटा भाई समझकर मेरे पीठ पे हाथ रख के बहुत सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। और कपूर साहब, फतेह मोहम्मद जी, पद्माराम जी, रूपाराम जी, मदन जी, गोप जी और समस्त सुनील जी परियार साहब, अमरदीन जी, साले मोहम्मद जी, फकीर साहब, अब्दुल्ला जी, हुसैन फकीर साहब, भाई छोटे भाई थान सिंह डोली, हाजी मुशे खान जी और समस्त समस्त मंच पे विराजमान नेताओं, प्रधान साहब, प्रमुख साहब, रसीदा जी, समाजी, समस्त लोगों ने मुझे अपना समझा। आप सब ने मुझे अपना समझकर प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और भारी वोटों से विजय बनाकर दिल्ली भेजा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव प्रसार के दौरान हम सब लोग यही कह रहे थे कि जयपुर के लिए दो बार प्रयास किए, एक बार तो काफी थोड़ा जोधपुर से आगे गए और दूसरी बार जयपुर के एन दरवाजे ऊपर बैरिकेड लग गए। तो ये आप लोगों का मन था कि आप मुझे दिल्ली भेजना चाहते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और जो अब आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मेरा प्रयास रहेगा अपने थार मारवाड़ के अंदर अपना भाईचारा कायम रहे, 36 कौम के लोग जिस भाईचारे के नाम से, जिस अपनायत के नाम से अपना मारवाड़, अपना थार जाना चाहता था, वो भाईचारा अपनायत पहले से भी बेहतर करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने चुनाव के समय अपना फायदा उठाने के लिए अपने क्षेत्र के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश की, पर बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने उनका करारा जवाब दिया और अब आगे आने वाले समय में कभी भी कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि मारवाड़ के अंदर अशांति फैलाने का काम करे। मारवाड़ की जनता ने अच्छा निर्णय लिया और सब चीजों का जवाब आज लाखों वोटों के अंदर बढ़त बना के कांग्रेस पार्टी को जीता के उन सभी सवालों के ऊपर आपने विराम लगा दिया। मेरा प्रयास रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र और आगे बढ़े। ये रामदान जी की धरती है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना खूब सहयोग किया। यहाँ किसान छात्रावास के माध्यम से शिक्षा की एक अलग जगह ही उनका एक सपना था और उसके बाद में किसान छात्रावास हो, किसान कल्याण छात्रावास हो, हल्लाल हॉस्टल हो, सभी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से बाड़मेर जिला शिक्षा की तरफ प्रगति कर रहा है। इसकी गति हम सब मिलकर दुगुनी करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, मैं आपके विश्वास और भरोसे के ऊपर 100% खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा और अपने सीनियर नेताओं का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, इनसे सलाह मशवरा लेकर और अपना क्षेत्र का सहुमुखी विकास कैसे हुए उसके लिए दिन रात प्रयत्न करूंगा और हमेशा आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। आप लोगों के हित और आपके कल्याण के लिए, बाड़मेर जिले के सहुमुखी विकास के लिए जो भी मजबूती से पैरवी देश की सबसे बड़ी पंचायत में करनी होगी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, जो माही डैम का पानी अपने राजस्थान के हिस्से का पानी, जो मोदी जी 3 बार कह के गए थे नहीं आएगा, मैं रोज उनको याद दिलाऊंगा कि मोदी जी आप 3 बार बोल के आए, 2 बार आपको जिताया था और अब
राजस्थान की तरफ कभी आंख उठा के देखनी है तो राजस्थान की सुननी होगी और पश्चिम राजस्थान के किसानों के खेत के तक पानी आपको लाना ही होगा। इसके लिए मजबूती से प्रयास करेंगे। राजस्थान के अंदर अपने बाड़मेर जैसलमेर के अंदर नए उद्योगों का निर्माण कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कैसे हो, जो अधूरे पड़े रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे हाईवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हो, सारे मुद्दों की मजबूती से पैरवी करेंगे और आपके मन के अनुसार आपकी बात हमेशा अग्नि रूप में भूमिका निभाएंगे। आप बड़ी संख्या में पधारे, कर्नल साहब कह रहे हैं, कर्नल साहब के टाइम के अंदर 5,000 करोड़ का बजट कर्नल साहब ने स्वीकृत कराया था, लेकिन उन्होंने लास्ट के अंदर बदमाशी कर ली, उस बजट को अलॉट नहीं किया। आप जैसलमेर बाड़मेर भाबर परियोजना जो आप कई बार अखबारों में पढ़े, कर्नल साहब ने मजबूती से पैरवी की लेकिन उन्होंने नहीं माना, उसका सबक आज मिल गया उनको। और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, हवाई जहाज से उठने का सपना दिखाया था, बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट का सपना दिखाया था, पानी के पता कितने सपने दिखाए थे, उनको पूरा नहीं किया। मैं कन्नड़ साहब और आदरणीय हेमाराम जी, हरीश जी और समस्त बाड़मेर के नेताओं से सलाह लेकर बाड़मेर का सौमुखी विकास कैसे हुए, जैसलमेर के अंदर पर्यटक उद्योग का विकास कैसे हुए और यहाँ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के अंदर, बालोतरा में विशेष तौर पर पेट्रोकेमिकल हब के द्वारा युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनरी में, ऑयल फील्ड में, विंड एंड सोलर में रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निरंतर आपके लिए प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए खाने की व्यवस्था यहाँ की हुई है, प्लीज़ आप सभी यहाँ से खाना खा के आराम से अपने अपने घर जाना। और एक विशेष अनुरोध आपसे मैं ये करता हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर शांति बनाए रखें और जो माहौल खराब करने का प्रयास किया है उस माहौल को बिल्कुल शांत रखें, बिल्कुल शांति बनाए रखें। और आपका बहुत बहुत आभार। बोलिए तेजाजी महाराज की, सिद्ध श्री के माँ बाबा की जय हो, राम सा पीर की, ब्रह्म धाम की, जगदम्बे मात की, विग्गा जी महाराज की, जतना जी महाराज की, चंबे जी महाराज की, सती मात की, ख्वाजा साहब की, राजेश्वर भगवान की, सभी देवी देवताओं की, गुरु जगरामपुरी जी महाराज की, सभी अपने अपने इष्ट देवता गुरु महाराज। आपसे निवेदन रहेगा तोश द्वारा एक बार स्वागत हो जाए सबका, एक बार बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम। सभी से निवेदन रहेगा टॉर्च जला रहे, एक बार जय 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 भीम, निवेदन जय 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 भीम, एक बार सभी टॉर्च जला दे। बोलिए बजरंग बली की, महादेव जी महाराज की, तनोट राय माता की।